पेट्रोल बस ही डीजल का है, मतलब कौन सी कार तुम्हारे लिए खरीदना बेस्ट रहेगा, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। इस वीडियो में दोनों कार का कंपैरिजन करूंगा कि कौन सी कार में क्या खर्चा आता है, कितना खर्चा आता है, और कौन सी कार बेस्ट है खरीदने के बाद। तो इस कोरोना पीरियड में टू व्हीलर फोर व्हीलर की डिमांड काफी बढ़ गई है, क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि इस कोरोना पीरियड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड किया जाए और जहां तक हो सके अपना ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए। तो इसके चक्कर में काफी सारी कंपनी कई सारे ऑफर ला रही है कि बस अभी जाके ले ही लें, ऐसे ऐसे ऑफर लाई है। तो अगर तुम्हें इस फेस्टिव सीजन में कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर लेना है तो बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, तुम जाकर ले सकते हो। मगर अगर कोई पहली बार फोर व्हीलर लेने का प्लान कर रहा है तो उसके बाद सबसे पहला सवाल आता है कि पेट्रोल कार्ड ले या डीजल कार्ड ले, कौन सी कार्ड लेना बेस्ट रहेगा। तो चलो बात करते हैं पेट्रोल कार और डीजल कार में डिफरेंस क्या होता है, मेनली क्या देखा जाता है, क्यों पेट्रोल कार प्रेफरेंस दी जाती है इतनी। तो नॉर्मली जब कोई गाड़ी खरीदता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल होता है कि ये देगी कितना, मतलब माइलेज कितना देगी। और देखा यह गया है कि डीजल कार पेट्रोल कार के मुकाबले ज़्यादा माइलेज देती है और डीजल पेट्रोल सस्ता भी आता है, इस चक्कर में लोग डीजल कार जल्दी खरीद भी लेते हैं। और पिछले कुछ समय में डीजल कार की जो सेल है काफ़ी नीचे गिर गई है, और मैं बताता हूँ क्यों हुई, क्योंकि जब से BS6 नॉर्म आया है तो काफ़ी सारी कार कंपनी ने डीजल कार बनाना बंद ही कर दिया, बिल्कुल पूरी तरह से बंद ही कर दिया, क्योंकि कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था उनको BS6 के चक्कर में। और इन सब के अलावा डीजल कार के इंजन की जो लाइफ है काफ़ी कम होती है पेट्रोल कार के मुकाबले, और पेट्रोल कार का जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू डीजल का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता दूँ, मैं जो सबको सबसे ज़्यादा खटकती है मेंटेनेंस, पेट्रोल कार की मेंटेनेंस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू डीजल कार, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सब लोगों को ये खटकता है कि हाँ भाई आफ्टर परचेज इसकी मेंटेनेंस कितनी जाएगी। वैसे तो पेट्रोल कार और डीजल कार की कीमतों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, मगर जो पहले की तरह डीजल कार आती थी, मतलब वैल्यू फॉर मनी, वो अब नहीं आती है। और हाँ, मैंने मेंटेनेंस की बात की थी पेट्रोल कार और डीजल कार की, तो चलो मान लेते तुम लोगों के पास पेट्रोल कार भी है डीजल कार भी है, ठीक है, और तुम उसे प्रॉपर मेंटेन ना करो एक साल तक, मतलब टाइम टू टाइम हर चीज़ हो रही है उसकी, तो एक साल के अंदर पेट्रोल कार में तो ज़्यादा मेजर खर्चा हुआ नहीं होगा तुम्हारा, वहीं डीजल कार के अंदर तुम्हें एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर और ब्रेक फ्यूल वगैरह तुम्हें चेंज करना पड़ गया होगा। और हाँ, पेट्रोल कार के स्पार्क प्लग की बात कर लेते हैं, जो कि 30-40 हज़ार किलोमीटर बाद चेंज होता है, जो कि डीजल कार के अंदर नहीं होता है। मगर वहीं पर मैं क्लच प्लेट की बात कर लेता हूँ, वो भी डीजल कार की, वो पेट्रोल कार की क्लच प्लेट से 2 गुना महंगा आता है। और हाँ, सबसे मोटे बात बताना तो भूल ही गया, डीजल कार जो है वो काफ़ी पोल्यूशन करती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार, क्योंकि डीजल कार NO2 गैस निकालती है अपने इंजन से, जो कि इन्वायरमेंटल काफ़ी वो है, डेंजरस है, और ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस है। तो इस चक्कर में दिल्ली NCR में इसी चीज़ को रोकने के लिए CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब प्रमोट किया जा रहा है कि हाँ तुम डीजल कार और पेट्रोल कार छोड़ो, CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा डीजल कार पेट्रोल कार में से तुम्हारे लिए कौन सी बेस्ट है और कौन सी तुम्हारे लिए खरीदना फायदेमंद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।